ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಂದ ಹಜರ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾವಾ ತಾಜುದ್ದೀನ್ 100ನೇ ಉರ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಮಸ್ಕಾರ। ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಾವಾ इनका विशेष रूप से नागपुर से एक गहरा रिश्ता रहा है। उनके कारण पुराने काल से अनेक लोगों ने उनके ऊपर भक्ति और श्रद्धा रखी है। वो अनेक लोगों के प्रेरणा के स्तोत्र भी रहे हैं और नागपुर में सभी जात पंथ धर्म भाषा के लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे एक महान संत, विशेष रूप से 100 साल पूरे हो रहे उस शरीफ को, ये 100 साल जो है, ये 100 साल का इतिहास बाबा ताजुद्दीन बाबा के हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि इसका बड़े प्रमाण पर बहुत बड़ा पुनरुत्थान भी हुआ है। मंदिर भी जो हमारा ताजुद्दीन बाबा की जगह है, दरगाह है, वो भी बहुत अच्छा बना है। और विशेष रूप से अभी प्रामाणिकता से एक एक पैसा जो जमा हो रहा है उसको समाज के गरीबों के शोषित पीड़ित लोगों के लिए खर्चा होना चाहिए। आजू बाजू में गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए और बाबा ताजुद्दीन बाबा के नाम से एक मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत होनी चाहिए ताकि लोगों को, गरीब लोगों को इसका आधार मिलेगा। और ईमानदारी से बाबा की सेवा करते हुए इन गरीबों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, यही ईश्वर की सेवा है, यही हम सब मानते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि विदेशों से, बाहर से अनेक लोग आ रहे हैं, उन सब लोगों के मैं स्वागत भी करता हूं नागपुर के सांसद होने के नाते। और विशेष रूप से अमन शांति का, भाईचारे का एक अच्छा संदेश इस 100 साल के पुराने उस शरीफ के द्वारा निश्चित रूप से इस मौके से पूरी जनता को मिलेगा। मैं फिर से एक बार बाबा ताजुद्दीन बाबा जी के चरणों में हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।